इसके पहले हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस प्रोसीजर को हम लोगों ने समझा, उसको किया। अब एक नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर्स एक क्या है, प्रॉब्लम पे हम लोग आएंगे, लेकिन इसका एक आइडिया हमारे पास होना चाहिए कि इसकी क्या मीनिंग है, व्हाट इज आइगन वैल्यू आर व्हाट इज आइगन वेक्टर्स। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को जनरल हम यन ऑर्डर का ले लेते हैं, जब हमको जरूरत पड़ेगी एन की वैल्यू 2 रखेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा, 3 रखेंगे थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। तो जनरल अभी हम यन ऑर्डर के लिए एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने यहाँ ले लिया कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ए आई जे। अब यू आई ए आई जे लिखा गया है तो इसको जब हमको यन ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना होगा मैट्रिक्स को, तो हम उसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, आई को हमने रो ले लिया, जे को हमने कॉलम लिया, तो आई की वैल्यू 1 के लिए कॉलम, जे को कॉलम लिया तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का ही आई को हम रो ले रहे हैं, जे को कॉलम, तो अभी फर्स्ट रो का ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम ये हमारा थर्ड कॉलम, ऐसे ये फर्स्ट रो का nth कॉलम। अब हमने i को ले लिया 2, यानी पहला रो के n कॉलम, अब दूसरा रो तो यह ए 2 का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, और यह सेकेंड रो का nth कॉलम। ऐसे ही हम करते आएंगे, तो ये लास्ट, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए जितने रो उतने ही कॉलम, तब हमारा यह nth रो का फर्स्ट कॉलम, nth रो का सेकेंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम, और यह nth रो nth कॉलम, ये हमारा n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो हमने इसी A को शॉर्ट में सिंबॉलिकली ऐसे लिखा है। अब हम क्या करते हैं कि n ऑर्डर का है तो हम n वेरिएबल्स लेते हैं और उस वेरिएबल को x1, x2, x3 से xn तक ऐसा हम ले लेते हैं। तो यह x हमने लिया, यह x1, x2, x3 से लेकर के xn तक, और इन सब के कलेक्शन को हमने कैपिटल X से डिनोट किया। एक और हम स्केलर, एक कोई नंबर लेते हैं, डिनोट करते हैं लैम्डा से, यह लैम्डा। और ये हमारे पास क्या क्या आया, इसको देखो, एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और एन वेरिएबल से, एन ऑर्डर का है तो एन वेरिएबल से x1, x2, x3 से xn तक, जिसको हमने कैपिटल X से डिनोट किया। लैम्डा हमने एक कोई नंबर ले लिया, कोई एक स्केलर ले लिया, तब एक इक्वेशन, यानी यह ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब इस इक्वेशन को समझो, तो जो अभी इस इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले एक आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर क्या होगा उसकी मीनिंग। ए हमारा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक्स हमारा ए एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हमारे एन वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी यह ए एक्स और लैम्डा एक हमारा स्केलर है, उस स्केलर का प्रोडक्ट हमने, जो यह एक्स ये जो वेरिएबल्स है, और एक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिया। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, तो एक इक्वेशन इस फॉर्म में लिया, अब इस इक्वेशन में एक्स की नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू, यानी एक्स की सभी वैल्यू जीरो ना हो, तभी हमारा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यह जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए लैम्डा की जो वैल्यू आएगा वही हमारा मैट्रिक्स ए के लिए आइगन वैल्यू कहा जाएगा। यानी आइगन वैल्यू हमारा क्या है कि एन ऑर्डर का एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, और एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया तो उसी का हमको आइगन वैल्यू निकालना है।
तो हमारा वो जो मैट्रिक्स है तो उसके लिए एन वेरिएबल्स के फॉर्म में हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन और इनके कलेक्शन को कैपिटल एक्स से डिनोट किया। अब एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को यदि ए एक्स प्लस लेमडा एक्स, अब यह लेमडा हमारा कोई नंबर है, तो इस इक्वेशन में एक्स यदि जीरो हो जाए तब तो यह जीरो कर लोगे तो लेमडा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो गया, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो रहे तब इस इक्वेशन से लेमडा की जो वैल्यूज आती हैं उन्हीं को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं, वो हमारा आइगन वैल्यू। और अभी थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि इससे लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अभी हम उस पर आ रहे हैं, लेकिन एक आइडिया कि हमारा आइगन वैल्यू है क्या, तो इस इक्वेशन में लेमडा की जो वैल्यू आएगा वो हमारा आइगन वैल्यू होगा। अब लेमडा की ये जितनी वैल्यू उस मैट्रिक्स में आए तो जितनी वैल्यू आएगा तो उसमें क्या करो, लेमडा की एक वैल्यू रखो, तो जब एक वैल्यू रखोगे तो उस वैल्यू के लिए एक्स की जो वैल्यू आएगा यानी लेमडा की उस वैल्यू के लिए यदि यन आर्डर है तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, इनकी जो वैल्यू जाएगा वो लेमडा के इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स कहलाएगा। यानी इस इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू पहले डिटरमिन करेंगे और लेमडा की जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा आइगन वैल्यू होगा, और प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए हमारा आइगन वेक्टर अलग अलग होता है, तो एक आइगन वैल्यू को यहाँ रखेंगे और जब उसको रखेंगे तब उसके लिए एक्स की वैल्यू को निकालेंगे यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन इनकी वैल्यू को निकालेंगे, तो वो जो आएगा इस लेमडा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो हमारा आइगन वेक्टर होगा। अब हमें देखेंगे कि इस इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू हमारा निकलेगा कैसे, और लेमडा की वैल्यू निकाला या तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको थोड़ा सा हम इसको डिटेल में आपको बताते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे पे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यन एंड एंड या एन एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन एंड लैम्डा बी एनी रियल नंबर, एनी नंबर क्योंकि लैम्डा की वैल्यू इमेजिनरी भी आ सकता है, बी एनी नंबर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर इक्वेशन लैम्डा बी एनी नंबर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज एज आइगन वैल्यू आर आइगन वैल्यू को ही कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं, आइगन वैल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा द वैल्यूज ऑफ एक्स इज नोन एज
आइगन आर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानेंगे। अभी तो एक डिफिनेशन के फार्म में हम लोगों ने समझा, लेकिन ये लैम्डा की वैल्यू कैसे डिटरमिन होगा, लैम्डा के इच वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, इस वर्क को अभी हम आपको इसके बाद के स्टेप पे हम क्लियर कर रहे हैं। और एक चीज और भी आप जान लें, वर्ड आता है स्पेक्ट्रम। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के सारे प्रोसीजर हमको मालूम है, हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सब निकालना हमको पता है, लेकिन कोई मैट्रिक्स दिया और पूछ दिया कि इसका स्पेक्ट्रम डिटरमिन करो, तो अब हमको ध्यान में आता है कि भाई स्पेक्ट्रम तो आया नहीं, हमने आइगन वैल्यू जाना निकालना आइगन वेक्टर। तो किसी भी मैट्रिक्स के जितने आइगन वैल्यूज होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं, उन सबके कलेक्शन को हम स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स यानी उसके जितने आइगन वैल्यूज होंगे उन्हीं का जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन ही हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी स्पेक्ट्रम भी पूछा जाता है, इट मीन्स उसके आइगन वैल्यू जितने पॉसिबल है उसको डिटरमिन करना। तो ये स्पेक्ट्रम वर्ड हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेंगे, ये वर्क आएगा कैसे। इक्वेशन को हम लिखते हैं कि इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसकी वैल्यू को लिखो। तो ए जो हमारा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक है तो n रो और n कॉलम ही होगा, तो nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम और यह nth रो nth कॉलम, यह मैट्रिक्स हमने ले लिया। तो यह a की वैल्यू को लिखा गया। अब यहाँ से x, तो x हम x1 x2 से xn तक लिए हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको करना है। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका n क्रॉस n ऐसा है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यह x को या x1 x2 से लेकर के xn तक ये आ गया, तो यह हमारा n क्रॉस 1 ये आ गया। अब एक चीज का यहाँ ध्यान देना है कि यह x1 x2 से लेकर के xn तक जो ये मैट्रिक्स लिए है, ये हमने कॉलम मैट्रिक्स लिया है, इसको यदि हम रो मैट्रिक्स लें तो हमारा प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि अभी ये हमारा n रो है और वन कॉलम, और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है कि जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो ये सेम हो, तब हमारा यन क्रॉस वन आर्डर का प्रोडक्ट यह देगा। लेकिन यदि इसको हम ये इस फॉर्म में लिखें कि वन रो और यन कॉलम, तब ये वन क्रॉस यन आएगा तो इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं होगा, इसलिए वो हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं। तब हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हमारा यह n क्रॉस 1 इसी कॉलम मैट्रिक्स में ही लिखेंगे तभी इसका प्रोडक्ट होगा। और यहाँ आपका स्केलर है, इसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये स्केलर है आपका लैम्डा, तो अब यहाँ लैम्डा लिख लो, और फिर यह x है तो यह x1 x2 और यह xn ये आ गया, यह वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि इन सबको एक साइड में लाएंगे और दूसरा सा ये जो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स जो एक्स है, इसको हम कॉमन लेंगे। तो इसको कॉमन लेने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, पहले सबको एक साइड में लाओ, तब हमको यहीं से लिख सकेंगे ए वन वन ए वन टू ए वन यन ए टू वन ए टू टू ए टू एन और यह ए एन वन ए एन टू ए एन एन ऐसा आया।
और यहाँ से यह एक्स वन एक्स टू एक्स एन और माइनस लैम्डा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हम या एक्स वन एक्स टू एक्स एन को जब इधर लाएंगे तो एक्चुअली हमको इस एक्स वन एक्स टू इस मैट्रिक्स को हमको कॉमन लेना है। तो जब कॉमन लेंगे तो यह एक मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का ही डिफरेंस होता है, उसमें हम एक स्केलर से हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ इसके साथ यूनिट मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स से यदि हम इसमें प्रोडक्ट करें, जैसे हमने क्या किया, यूनिट मैट्रिक्स लिया एन ऑर्डर का। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वन, थर्ड रो थर्ड कॉलम एन और वन और एनथ रो एनथ कॉलम वन और शेष सब जीरो। तो अब यह यूनिट मैट्रिक्स लो तो यह वन जीरो वन जीरो और फिर यह जीरो और यह जीरो वन और यह जीरो और फिर यहाँ से यह जीरो जीरो और यह वन। ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। और इस यूनिट मैट्रिक्स में इसके आगे आपका एक्स वन एक्स टू और एक्स एन यह है। तो चूंकि ये सब मैट्रिक्स है तो इधर जो जीरो बचा वो हमारा जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स एक स्केलर के इक्वल हम नहीं लिखेंगे, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल। तब यह जीरो जीरो और यह जीरो, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स एन ऑर्डर का हो गया इस फॉर्म में है। अब यह जो यूनिट मैट्रिक्स से अतिरिक्त हमने लिया है इससे, तो देखो इसका फिर यदि हम प्रोडक्ट करें, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको जो ये यूनिट मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उससे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इन दोनों का, यदि इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो ये हमारा यन क्रॉस यन का है, यह एन क्रॉस एन का है और यह एन क्रॉस वन का है। तो एन क्रॉस एन और एन क्रॉस वन हम आपको ये बताने जा रहे हैं अलग से कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका यही होगा। तो ये वैल्यू हमारा हुआ एन क्रॉस एन का, यह एन क्रॉस एन का और यह एन क्रॉस वन का, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब यह एन क्रॉस वन ऑर्डर का ही ये हमको ये आएगा। तो अब कैसे मिलेगा उसको एक बार आप देखो, n क्रॉस वन का यानी n रो और वन कॉलम। तो n रो में फर्स्ट रो ले लिया, सेकेंड रो ले लिया, nth रो ले लिया और वन कॉलम, कॉलम आपका एक ही आएगा। तो इसका प्रोडक्ट करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस ये 0 इंटू x1, यानी इसका प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो यह एक्स वन प्लस जीरो और यह जीरो तक। फिर इसके बाद से इसका सेकेंड रो, तो सेकेंड रो करोगे तो यह जीरो जीरो प्लस एक्स एक्स टू प्लस एक्स टू प्लस, ये तीसरा रहता है, तीसरा नहीं लिखे हैं, तो ये प्लस ये जीरो, यानी इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का तो केवल यही आएगा शेष सब जीरो। अब ऐसे यनथ का करो तो यह एक्स वन जीरो एक्स टू जीरो वन एक्स, तो हमारा यहाँ से आया जीरो प्लस जीरो और प्लस वन इंटू एक्स वन। तब इन सबकी वैल्यू जो आया, ये एक्स वन आ गया, यह एक्स टू आ गया और यह एक्स एन आ गया, एक्स एन आ गया। तो हमने देखा कि इन दोनों के प्रोडक्ट करने पर जो ये वैल्यू है, जो हमारा यहाँ था ये, इसको इधर ट्रांसपोज किए तो जो ये था वही आया है। तो इन दोनों के यानी यूनिट मैट्रिक्स से इसमें प्रोडक्ट करेंगे इस मैट्रिक्स से, तो इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आए। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो देखा कि हमारा यही आया और ये हमारा हल है, यानी इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में लिखा क्यों गया, इसलिए कि जब यह एक्स वन एक्स टू एक्स एन यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स जब कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमको मैट्रिक्स
आना चाहिए। एक मैट्रिक्स का डिफरेंस एक मैट्रिक्स है, इसलिए उसको ये कॉमन हो जाएगा तो भी हमारा ये मैट्रिक्स बचा रहेगा। तब अब इसकी वैल्यू को हम लिखें, तो जब लिखेंगे तब हमारा यहाँ से आपको मिला ए वन वन, ए वन टू, ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू एन, ए एन वन, ए एन टू और यह ए एन एन, यह मैट्रिक्स इसको हमने बाहर ले लिया माइनस लैम्डा और ये आया वन जीरो 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 वन जीरो और फिर यहाँ से यह जीरो जीरो और वन इस फॉर्म में आ गया। इसमें हमने इसको कॉमन ले लिया है, इसको कॉमन लिया है, कॉमन लिए हैं एक्स वन एक्स टू एक्स एन और यह जीरो 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 इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू हमारा नॉन जीरो हो, इस नॉन जीरो के लिए इस इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू को कैसे डिटरमिन करेंगे। तब आप देखो ये हमारा मैट्रिक्स है और यह एक स्केलर है, तो इस स्केलर का जब मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करेंगे तो हर एलिमेंट में प्रोडक्ट हो जाएगा। तब हमको अब दोनों वर्ग इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स दोनों का डिफरेंस, तो दो मैट्रिक्स का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन तब होता है जब दोनों हमारे सेम ऑर्डर के रहें, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस। तो अब यहाँ से देखो इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तब यह वैल्यू जो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसका लैम्डा का प्रोडक्ट कर दोगे एक लाइन में और, तो यहाँ से लैम्डा 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 और सब जीरो आ जाएगा। एक राउंड लिखना चाहो तो अभी लिख ही लो ए वन वन, ए वन टू और ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू एन और फिर यह ए एन वन, ए एन टू, ए एन एन, यह हमने लिया और फिर यहाँ से माइनस इसका प्रोडक्ट करोगे तो लैम्डा इंटू वन लैम्डा, लैम्डा इंटू जीरो जीरो, लैम्डा इंटू जीरो जीरो जीरो, फिर यह लैम्डा, फिर यह जीरो और फिर यहाँ से जीरो जीरो और यह लैम्डा, ऐसा हमको मिल जाएगा। और इन सबके बाहर, सबके बाहर हमारा जो मैट्रिक्स आया है एक्स वन एक्स टू से लेकर के एक्स एन तक और दूसरा साइड हमारा जीरो मैट्रिक्स जीरो 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 ये आया हुआ है। अब आप देखो कि इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस करो, तो जब डिफरेंस करोगे तो ए वन वन माइनस लैम्डा और ए वन टू माइनस जीरो वही आएगा, ए वन एन माइनस जीरो वही आएगा, यानी डिफरेंस केवल इस डायगोनल एलिमेंट पे ही आएगा और तो सब जीरो है, तो जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं तो ये वैल्यू हम लिखेंगे यहां से यह मैट्रिक्स ए वन वन माइनस लैम्डा और यह ए वन टू माइनस जीरो, ए वन टू ही हुआ और ए वन एन माइनस जीरो क्योंकि इसके आगे के सब जीरो हैं, फिर यहाँ से ए टू वन, ए टू टू माइनस लैम्डा, इसमें देखो ए टू वन से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए टू वन ही, ए टू टू से इस लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए टू माइनस लैम्डा और यह ए टू एन से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह ए टू एन। इसी प्रकार हम ए एन वन माइनस जीरो, ए एन टू माइनस जीरो से लेकर के ए एन एन और माइनस लैम्डा ऐसा आ गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस ही आया।
और यह वैल्यू एक्स वन एक्स टू से यह एक्स या इज इक्वल टू जीरो जीरो और यह जीरो, इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब इस नॉट इक्वल टू जीरो यानी ये वैल्यू जीरो न हो तो उसके लिए इससे वैल्यू हम निकालेंगे। तब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से जो यह मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, यानी जो यह मैट्रिक्स आया इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। यानी डिटर्मिनेंट फॉर आइगन वैल्यूज अब यह डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स है। अब यह ए वन वन माइनस लैम्डा और यह ए वन टू और यह ए वन एन ए टू वन ए टू टू माइनस लैम्डा ए टू एन और फिर यह ए एन वन ए एन टू और यह ए एन एन माइनस लैम्डा। तो यह जो डिटर्मिनेंट आया इस डिटर्मिनेंट को हम जीरो लिख लेंगे। तो जब जीरो लिखेंगे तब इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो यह लैम्डा में एन पावर का एक पॉलिनोमियल आएगा, एक इक्वेशन आएगा। इसको जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यह लैम्डा में एन पावर का, जैसे एग्जांपल के लिए देखो तुम्हारा यदि केवल सेकेंड ऑर्डर का हो तो यह ए वन वन माइनस लैम्डा और यह जी ए वन टू यह ए टू वन और ए टू टू माइनस लैम्डा यह डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करोगे तो ए वन वन माइनस लैम्डा इंटू ए टू टू माइनस लैम्डा और माइनस ए वन टू ए टू वन इज इक्वल टू जी ए आई। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा कहाँ से आएगा कि इसमें प्रोडक्ट इसमें और इसका प्रोडक्ट इसमें, तो यानी यह माइनस ए ए वन वन और प्लस इसमें करोगे फिर इसमें प्लस ए टू टू और यह लैम्डा और फिर जब दोनों का प्रोडक्ट तो यह ए वन वन ए टू टू इज इक्वल टू जीरो। तो देखो सेकेंड ऑर्डर का है तो यह लैम्डा में सेकेंड ऑर्डर का एक इक्वेशन है। तो ये वैल्यू हमारा ए वन टू एक वैल्यू आएगा यहाँ ए वन वन ए टू टू और माइनस ए वन टू ए टू वन इज इक्वल टू जीरो ए आ गया। तब हमने देखा कि जब सेकेंड ऑर्डर का है तो यह लैम्डा में इसका प्रोडक्ट किया तो टू, इसका जब प्रोडक्ट करोगे लैम्डा में वन का विदाउट लैम्डा वाले में तो लैम्डा का पावर वन, इस लैम्डा को इस विदाउट लैम्डा वाले में तो वन और यह कांस्टेंट को जब प्रोडक्ट करोगे तो हमको कांस्टेंट देगा, एक कांस्टेंट ऑलरेडी है। तो यह लैम्डा में सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन हो गया। ऐसे जब थर्ड ऑर्डर का लोगे तो लैम्डा में थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन आएगा और जब यन ऑर्डर का इक्वेशन लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको सॉल्व करने पर लैम्डा में एन पावर का इक्वेशन आएगा। तो जो इसको सॉल्व करने पर ये लैम्डा में एन पावर का जो इक्वेशन आएगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है, उस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अब उस कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमारा यह लैम्डा है तो ये वैल्यू तुम्हारा नंबर में रहेगा तो इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालोगे और जब लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो ये सेकेंड ऑर्डर का है तो लैम्डा की दो वैल्यू जाएंगी तो वो जो दोनों वैल्यू हुई वही इसका वो आइगन वैल्यू कहलाएगा। यानी आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का निकालना हो तो क्या करोगे कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल है उसमें लैम्डा का सबट्रैक्ट कर दो और शेष को रहने दो और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इसको जब इस डिटर्मिनेंट को जब तुम सॉल्व करोगे तो जितने ऑर्डर का
ए डिटर्मिनेंट रहता है, लैम्डा में उतने ही पावर का इक्वेशन आता है, और वह जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जितने ए आर्डर का है मैक्सिमम लैम्डा में उतने पावर का इक्वेशन आएगा, और जब उतने पावर का आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो जितने पावर का इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने पर उतनी ही वैल्यूज मिलती है। तो ये इक्वेशन हमारा सेकेंड आर्डर का है, तो लैम्डा में ये टू पावर का है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की दो वैल्यू। ये हमारा लैम्डा में एन पावर का आएगा, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा लैम्डा की एन वैल्यूज आएगी। तो जो ये एन वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू कहलाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और आइगन वैल्यू, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को हम लोगों ने समझा। तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन है इसी को हम सार्क में लिखते हैं, इसी को हम सार्क में लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। ये जो डिटर्मिनेंट है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने का क्या है, ये कैसे आया कि तुम इसके ऊपर किए हो एन आर्डर का मैट्रिक्स ले लो, और यूनिट मैट्रिक्स एन आर्डर का तो यह डायगोनल में वन से जीरो, तो उस यूनिट मैट्रिक्स में जब लैम्डा से प्रोडक्ट करोगे तो डायगोनल में लैम्डा आ जाएगा, और तब ए में से इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा केवल डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, शेष वही रह जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन देगा, और ये इक्वेशन ए जितने आर्डर का रहेगा लैम्डा में उतने ही पावर का ये इक्वेशन आएगा, और तब उतने पावर के इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू जाएगी वो जितने पावर का इक्वेशन उतना ही आएगा, और वो जो वैल्यू होंगी वही हमारा आइगन वैल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ये कहे जाते हैं। तो ये हमने लिखा, तो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो इज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑफ पावर n एन आर्डर का या एन पावर का ये लैम्डा में एक हमको इक्वेशन मिलेगा, और इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो फॉर lambda is called eigen values are characteristic root. तो इस तरह से हमारा ये जो वैल्यू आएगा वो ए माइनस, अब ये यहाँ से आया है तो देखो ये हमने नॉट इक्वल टू जीरो लिया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब जीरो है और ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो यही जीरो देगा, और इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमारा इसका जो सॉल्व करने पर इक्वेशन आएगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। इसी को सार्क में हम इस फार्म में लिखते हैं, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और n आर्डर का मैट्रिक्स है तो यह लैम्डा में n पावर का इक्वेशन देगा, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की n वैल्यूज मिलेंगी, वो जो वैल्यूज होगी वही हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक रूट कहा जाएगा,
अब ये करेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालेंगे, अभी एक प्रॉब्लम लेके करते हैं, तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो और क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम हमको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाता है और उसका करेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू ये पूछा जाता है, तो पहले तो हम लोग ये निकालना जानेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालते हैं, और फिर जब हम आइगन वैल्यू निकालना समझ जाएंगे तो प्रत्येक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने में क्या करते हैं कि जो यह मैट्रिक्स है वो हमारा ए है, तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई वही हमारा जीरो, वो करेक्टरिस्टिक रूट हुआ, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ। और उसके लिए करते क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है उसी में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यह ए है और डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई देगा। तो सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डिटर ऑफ मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, यह हुआ। अब इसको हम कैसे करते हैं एक बार, एक पहले प्रॉब्लम में इसको हम लोग देख लें। तो जो आपका ई है, यह ए, इस ए की वैल्यू दी गई है 0, 1, 2 और 1, 0, -1 और यह 2, -1 और 0, यह ए है। तब हम क्या करेंगे कि ए माइनस लैम्डा आई, तो उसके लिए ए, दिस इंप्लाई ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो गिव्स, क्या इसे पाएंगे, तो यह ए, ए को लिख लो 0, 1, 2, 1, 0, -1 और 2, -1, 0, यह ए हो गया माइनस लैम्डा। और आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने आर्डर का ए रहेगा उतने ही आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये थर्ड आर्डर का है, तो यह 1, यह 0, 0, यह 0, 1, 0 और 0, 0, 1, यानी डायगोनल के एलिमेंट यूनिट रहे और से सब जीरो रहे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो देखो ए माइनस लैम्डा और यहाँ से यह वैल्यू 0, 0, 0, ये हम कर लिए, ये कर लिए। अब इसमें लैम्डा का इसमें प्रोडक्ट करो, अब यहाँ से हमको मिला यह 0, 1, 2 और यह 1, 0, -1, 2, -1, 0, यह ए हुआ। और माइनस, अब लैम्डा का प्रोडक्ट करो, तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, लैम्डा इंटू 0, 0, लैम्डा इंटू 0, 0, यह 0, यह लैम्डा, यह 0, फिर यह 0, यह 0 और यह लैम्डा, ये वैल्यू आ गया इज इक्वल टू सेकेंड साइड जो हुआ वो आपका 0 मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, तो जब डिफरेंस करोगे तब आपका 0, -λ, तो यह -λ हो गया, और 1, -0, 1 हो गया, 2, -0, 2 हो गया, 1, -0, 1 हुआ, और 0, -λ, ये -λ हो गया, -1 × 0, -1 और फिर यह 2, -1 और यह 0, -λ, तो -λ इज इक्वल टू 0, 0, 0। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो वही हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। तो देयरफॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन
अब यह ए नहीं है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है वह ए माइनस लैम्डा आई हो गया है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है वह ए माइनस लैम्डा आई। तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, तो वो हमारा यह डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाई, अब यही वैल्यू हमको दे देगा। अब इसको डिटर्मिनेंट में लिखो, माइनस लैम्डा यह वन और यह टू और फिर यह वन, यह माइनस लैम्डा और यह माइनस वन और यह टू और यह माइनस वन और यह माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये पहला क्वेश्चन था, तो यह ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो हमने इतना किया, लेकिन फ्यूचर में अब जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हूँ सीधे लिखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई, ये डिटर्मिनेंट है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट होता है। यह लिखो और सीधे जो आपका ये मैट्रिक्स है इसके डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट करके तब लिखोगे तो वह ए नहीं रहेगा, तब वह ए माइनस लैम्डा ही रहेगा। यानी इसी में देखो जीरो माइनस लैम्डा, यह जीरो माइनस लैम्डा, यह जीरो माइनस लैम्डा और से सब वही वन टू, ये वन माइनस वन, यह टू माइनस वन। यानी अब हमको इतना नहीं करना होगा, यह ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट के लिए पहले मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई हमने कंसीडर किया और ए माइनस लैम्डा आई हमारा यह जब मैट्रिक्स आ गया तब उसका डिटर्मिनेंट लिया तो वो हमारा डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा है। तो अब सीधे एक बार में आपको बता दिया गया, अब सीधे में डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई लिखो, उसके लिए डिटर्मिनेंट का यूज करो और जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो हमारा वही कैरेक्टरिस्टिक ए इक्वेशन देगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये लैम्डा में थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन, चूंकि थर्ड ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है तो इसको सॉल्व करने पर लैम्डा में थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन आएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो मैट्रिक्स को सॉल्व करना आपको मालूम है कि ये माइनस लैम्डा और इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस वन, लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इसका प्रोडक्ट, फिर माइनस लिखते हैं तो माइनस वन और तब यह रो और यह कॉलम छोड़ दो तो माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस टू, तो प्लस टू, अब लास्ट में प्लस टू और तब यह रो और यह कॉलम छूट गया तो माइनस वन और माइनस वन और प्लस टू लैम्डा, प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो अब प्रोडक्ट करो तो यह माइनस लैम्डा का क्यूब और यह प्लस लैम्डा और यहां से यह प्लस लैम्डा और माइनस टू और यहां से फिर माइनस टू और प्लस फोर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब लैम्डा में मैक्सिमम पावर आपका माइनस लैम्डा क्यूब है, लैम्डा स्क्वायर नहीं है, फिर यहां से लैम्डा प्लस लैम्डा और प्लस फोर लैम्डा तो सिक्स लैम्डा, तो यहां से यह सिक्स लैम्डा। अब न्यूमेरिकली वैल्यू देखो तो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए देखो ये यदि क्वाड्रेटिक होता ये स्क्वायर होता तब तो तुम्हारा इस सिद्धराचार्य नियम से भी आ जाता और नहीं तो फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करते और तब मिडल वाले को ऐसे ब्रेक करते कि उसका प्रोडक्ट हमारा दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये वर्क हम तब तक नहीं कर पाएंगे कि इसका पावर का इसका पावर हाफ होना चाहिए, जैसे ये टू है तो वन, यदि ये फोर होता तो ये टू होता तब उस फर्क कर पाते, तब ऐसे के लिए हम रिमाइंडर्स थ्योरम का यूज करते हैं। यानी लैम्डा की ऐसी वैल्यू रखो जो इसको जीरो दे दे तो लैम्डा माइनस वह वैल्यू इसका फैक्टर हो जाएगा। तब आप देखिए लैम्डा की क्या वैल्यू रखें, तो ये वन रखने पर तो नहीं देगा क्योंकि ये माइनस वन और यह माइनस फोर, तो ये अब टू रखो तो जब टू रखोगे तब ये माइनस एट और माइनस फोर
माइनस 12 और 2 जो प्लस 12 यानी 0 आ गया। तो यानी लैम्डा की वैल्यू 2 रखने पर ये 0 दे देगा। तो बाई पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2 एबव इक्वेशन गिव्स 0 दैट इज लैम्डा माइनस 2 इज ए फैक्टर। तो लैम्डा माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया। अब आप क्या करते हो कि लैम्डा माइनस 2 से डिवाइड करते हो और डिवाइड करके तब इसको लिखते हो यानी लैम्डा माइनस 2 ए फैक्टर। अब यहां वैल्यू क्या रखे इसके लिए एक तरीका तो है कि आप क्या करो कि लैम्डा माइनस 2 से इससे डिवाइड करो। लेकिन बिना डिवाइड किए भी आपको तरीका जानना चाहिए। वो तरीका क्या है? अब आप ए नियम आपको बीएससी 1 में ये अलजबरिक इक्वेशन में ए आता है उसको एक बार यहाँ आपको रिकॉल कराते हैं। करो ये कि जो भी हमारे टर्म्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके कोफिशियंट को लिखो। तो यह लैम्डा का क्यूब ए वैल्यू आपको माइनस वन लैम्डा इस बार नहीं है तो उसको 0 किसी को छोड़ना नहीं है जो नहीं है उसको 0 लैम्डा का सिक्स ए है और फिर ये कांस्टेंट -4 यह लिख लो और हमको डिवाइड जिससे करना है उसको 0 करके लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो लैम्डा -2 को करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 2। अब क्या करो कि 2 को यहाँ अलग लिखो और पहले में 0 ही रखते हैं ऐड करो -1 और फिर इसका प्रोडक्ट करके अगले के नीचे लिखो। तो यह 2 और -2 तो ये -2 इसका प्रोडक्ट करके नेक्स्ट के नीचे फिर ऐड करो -2। अब क्या करो इसका प्रोडक्ट करके फिर नेक्स्ट के आगे तो यह 2 और -2 इसका प्रोडक्ट -4 तो फिर ऐड करोगे तो 2 और फिर इसका प्रोडक्ट करोगे 2 × 2 तो यह 4 तो ये वैल्यू 0। अब आपका यदि ये सही रहेगा तो लास्ट वाला 0 आ जाएगा और यदि ये 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया। तो अब ये वैल्यू आ गया। अब इसका जो दूसरा टर्म है तो देखो जो ये वैल्यू लिखा ये लैम्डा का क्यूब था। अब एक कम पावर यानी -1 यहाँ लैम्डा स्क्वायर करोगे। अब लैम्डा से एक कम यहाँ 2 1 और यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस। अब यही हमारा आ जाएगा यह -λ² और -2λ और +2 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। यदि तुम डिवाइड करोगे तो तुमको यही मिलेगा लेकिन ये चीज आपको डायरेक्ट कैसे मिला एक बार और समझ लो। जिससे डिवाइड करना है उसको 0 करके लैम्डा की वैल्यू निकाल करके अलग रख लो और जिसमें डिवाइड करना है जिसको डिवाइड करना है उसके पावर को क्रम से उसके कोफिशियंट को लिखते जाओ चिन्ह सहित और जो टर्म नो आवे उसको तुम 0 कर लो। तो यह लैम्डा का क्यूब इसका -1 इसमें लैम्डा स्क्वायर नहीं है तो उसको छोड़ेंगे नहीं उसकी जगह 0 लिखेंगे। फिर यह लैम्डा इसका +6 और फिर ये कांस्टेंट है -4 ऐसा लिख लिया। अब करना ये है कि पहले के नीचे 0 लिख करके और इसको ऐड करते हैं और जो वैल्यू आया इससे प्रोडक्ट करके अगले के नीचे लिखेंगे फिर ऐड करेंगे। जो आएगा उससे फिर प्रोडक्ट करके अगले के नीचे लिखेंगे फिर ऐड करेंगे यही प्रोसीजर। फिर इसका प्रोडक्ट करके अगले के नीचे लिखेंगे। यदि यह इसका एक फैक्टर है तो ये लास्ट डेफिनेटली 0 आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलती किया उसको एक बार चेक कर लें और नहीं तो ये हमारा फैक्टर ही नहीं होगा। ये फैक्टर है तो ये लास्ट 0 आएगा। तो ये तो -1, -2 और 2 आया था लेकिन इसको करेंगे क्या तो लैम्डा में जो मैक्सिमम पावर है उससे एक कम पावर क्योंकि एक लैम्डा का यहाँ पावर आ चुका है तो अब उससे एक कम पावर ये जो है उसके साथ लिखो उससे एक कम पावर और फिर अब इसे
विदाउट लैम्डा। अब इसी को यहाँ लिख दो, ये इसका फैक्टर हो गया। तो ये लास्ट तुम्हारा ये प्लस टू है, ये प्लस टू प्लस टू, तो लैम्डा की एक बजे तो टू आ गया। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के कई मेथड है, उसे आप कर सकते हो। तो यहाँ से फार माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस टू इक्वल टू जीरो, लैम्डा का प्रोडक्ट कर दो, तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा माइनस टू इक्वल टू जीरो। यदि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करो तो टू आएगा, तो टू का ये कोई फैक्टर होगा टू इंटू वन, तो टू और वन को ऐड करोगे तो थ्री आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन आएगा, टू कभी नहीं है। तो इसलिए वो मेथड हमारा यूजफुल नहीं है, तब सीधा चार्ज नियम लगाओ। तो यार यहाँ लैम्डा की वैल्यू माइनस बी, तो यह माइनस टू और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो यह फोर और माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर ए, ए की जगह वन और सी, सी की जगह माइनस टू अपान टू ए, ये हमारा फार्मूला है। तो यह लैम्डा इसकी वैल्यू माइनस टू प्लस माइनस, अब देखो ये अंडर रूट में क्या आया, यह फोर आया और प्लस यह एट आया, तो यानी टोटल एक बार लिख लो ट्वेल्व, तो ये हमारा ट्वेल्व आ गया बाई टू। अब ट्वेल्व को लिख सकते हो फोर इंटू थ्री और फोर अंडर रूट से बाहर आएगा तो टू, यानी ये वैल्यू आपका माइनस टू प्लस माइनस टू रूट थ्री और बाई टू, और टू से डिवाइड कर दो तब ये वैल्यू मिल गया, यहाँ से माइनस वन और प्लस माइनस रूट थ्री। तो अगर दो रूट इससे आए, एक आपका प्लस लोगे तो माइनस वन प्लस रूट थ्री और माइनस वन माइनस रूट थ्री, तो दो रूट यहाँ से और एक लैम्डा माइनस टू, इसको जीरो करोगे तो लैम्डा की वैल्यू टू। तो थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है तीन रूट इसके आ गए, फार लैम्डा माइनस टू इजक्वल टू जीरो इंप्लाई लैम्डा इजक्वल टू टू, देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स रूट्स इज इक्वल टू टू हुआ माइनस वन प्लस रूट थ्री हुआ और माइनस वन माइनस रूट थ्री हो गया। तो ये हमारे थर्ड ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, तो इसके थर्ड ही मैक्सिमम आपको मिलेंगे आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक रूट। तो अब करने का सिंपल सा वर्क क्या रहेगा, अब इतना कुछ नहीं करना है, सीधे डिटर्मिनेंट लिखो डायगोनल में माइनस लैम्डा कर दो, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और तब लैम्डा की जो जो वैल्यू जा गए वही आपका आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक रूट हो गया। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन जो आपके हैं ये आज इसको होमवर्क के फॉर्म में समझ के इसको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो अभी कल बताएंगे, आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालेंगे, इस वर्क को आप